पुलिस का डब्बा आ चुका है। पे कुछ हुआ है, मतलब क्या हुआ है गाइस, देख के आते हैं बाहर कुछ। चल आगे ले। अबे वहाँ पे तो खून वीन की होली चल रही है। ट्रेन और प्लेन को छोड़ के कोई भी चला। ट्रेन और प्लेन को छोड़ के जोर से भूख लगी है। चेरी बॉम के टायर के नीचे आ गया मेरे गले से, कब निकला और नीचे देख सकते हैं। रात के 1 बजे रहे, ट्रैफिक के वो पब्लिक चेरी बॉम। और गाइस अपन लोग आज नाइट में कहीं घूमने आएंगे, तो गाइस अपनी चेरी बॉम को निकालते हैं एंड गाइस अपन चलते हैं। मेरा एक फ्रेंड भी है, जो नया फ्रेंड है गाइस, जो अभी अभी गाँव से आए, तो गाइस अभी तक वो दरवाज़ा नहीं खोल पा रहा है। खोले, ये हमारा दोस्त इरफान। तो गाइस हम लोग यहाँ से सीन ऐसा है कि आप लोग ड्राइवर चेंज किए हैं गाइस, मेरा फ्रेंड कार चला रहा है। फाइनली हम लोग हाईवे पे एंड गाइस आज मैं रात को व्लॉग शूट कर रहा हूँ। मतलब इसका मतलब ये है कि गाइस दिन भर जो ना मैं सोता हूँ और रात को घूमता हूँ, मतलब दिन भर कुछ काम नहीं रहता, दिन भर सिर्फ एक ही काम रहता है, सिर्फ सोने का। क्योंकि गाइस रमजान चालू है, इस वजह से बहुत प्यास लगती है, मतलब नहीं हो पाता, इस वजह से सिर्फ रात को ही घूमता। तो आजकल मेरे ब्लॉग जो है ना नाइट में आ रहे, तो यहाँ से हम लोग अभी कहीं घूमने आ रहे हैं। वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे मैं बताता हूँ। और इतने दिन बाद ऐसा मेरे को फील हुआ है कि मैं बाजू में बैठा हूँ और मेरी कार को और तो सीन ऐसा कि अपने लोग अपनी चेरी बॉम में पेट्रोल डलवाने हैं, इनका जो अपने लोग पंप पे पेट्रोल भर के हो चुका है ना। अपन लोग अभी काशीमीरा पेट्रोल पंप पे खड़े एंड यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अभी। तो गाइस सीन ऐसा कि अभी जस्ट अपन लोग पेट्रोल पंप से पेट्रोल भर के निकले और गाइस उस बीच में मेरा एक छोटा सा नुकसान हो चुका है। छोटा सा मतलब बड़ा सा, ये देखो ये गाइस, ये जो है ना चेरी बॉम के टायर के नीचे आ गया मेरे गले से, कब निकला और नीचे आ गया। उसके बाद से इसका सीन हो गया कि नीचे आके टूट गया, मतलब एकदम से ख़राब हो चुका, मतलब एक नुकसान हो गया हमारा। और अभी क्या बताओ, होते रहता नुकसान। तो गाइस हमारे इरफान भाई जो ट्रक के ड्राइवर है और मतलब छोटी से बड़ी हर गाड़ी चलाते हैं, तो कौन कौन सी गाड़ी चलाते हैं भाई? भाई अपन कोई ट्रेन और प्लेन को छोड़ के कोई सी भी चलाते। अरे कहना क्या चाहते हो? ट्रेन और प्लेन को छोड़ के सब गाड़ी ये चलाते। मुझे पहले लगा गाड़ी नहीं चला पाएगा, जैसे मैंने इसको स्टेयरिंग दिया गाइस, उसके बाद से इसकी ड्राइविंग दिखा तो एकदम मस्त चला रहा है। मतलब गाड़ी चलाने में कोई फर्क नहीं, ऐसा लग रहा है क्या बहुत पुराना ड्राइवर है गाइस, अच्छे से चला रहा है गाड़ी। आप लोग देखते हैं कि मैं अपनी चेरी बॉम किसी को चलाने नहीं देता, बहुत ही सिलेक्टेड लोग हैं जो मेरी गाड़ी चलाते हैं। एंड गाइस आज मैं बाजू में बैठा हूँ, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब भी मैं अपनी चेरी बॉम चलाता हूँ तो मैं ही चलाता हूँ और मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं चलाता। तो आज ये हमारा इरफान जो गाँव से आए गाइस, और इसकी एक बात बताओ गाइस, ये बिजनौर का है, मतलब दिल्ली का है, बिजनौर का है, वो वहीं पर रहता है और अभी अभी जस्ट मुंबई आया, मेरा दोस्त है पुराना, तो आया तो मुझसे मिला है। और उसके बाद से वहाँ पे जो है बिजनौर में जो है ट्रक चलाते हैं, मतलब 12-13 टायर की गाड़ी चलाते हैं, 12-13 टायर वाली गाड़ी आती है ना, ट्रक डंपर 16 टायर का और 14 टायर का, ये जो बड़ी बड़ी ट्रक आती है, लॉरी आती है गाइस, उसका ये ड्राइवर है, मतलब सब गाड़ी इसको चलाने आती है। जब भी दिल्ली जाऊँगा, यूपी जाऊँगा, इससे ज़रूर मैं गाड़ी लेके आप लोगों को बताऊँ कैसे चलाते हैं। तो गाइस अपन लोग अभी मीरा रोड आए हैं गाइस, यहाँ पे देखो रसाज में आए, तो अपने लोगों को एक कार पार करके अपने लोगों को अंदर जाना है। तो गाइस यहाँ से अपन निकलते हैं, चलते हैं। यहाँ पे कुछ हुआ है, मतलब क्या हुआ है कुछ तो चल रहा है, पूछते हैं भाई। यहाँ पे कुछ तो मसला हुआ है गाइस, आप लोग देखते हैं आगे जाके क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अच्छा मातम मना रहे हैं लोग, तो गाइस यहाँ पे इन लोग मातम मना रहे हैं। आप लोग मीरा रोड आए हुए, मीरा रोड स्टेशन के बाजू में। तो गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब ट्रैफिक भी है और पब्लिक भी यहाँ पे बहुत सारी, और रात का टाइम है गाइस, 1 बज रहे मिनिमम मेरे हिसाब से। ऐसा लग रहा है इरफान भाई आपको गाड़ी चला के बम्बई की रोड पे, नंबर भाई एक नंबर, मतलब गाँव में ऐसे रोड रहते क्या? नहीं, ये बॉम्बे वाला रोड है, यहाँ पे बहुत सारी ट्रैफिक रहती है, तो मैं जस्ट पूछ लिया मतलब कैसा लग रहा है चलाने, क्योंकि गांव में गाइस जो रोड रहते हैं ना एकदम से छोटे रोड रहते हैं, मतलब रोड तो रहते हैं छोटे रोड रहते हैं,
और एकदम खाली खाली रोड है। और अपना बॉम्बे ऐसा है कि यहाँ पे जो ना बहुत कंजेस्टेड रोड है, मतलब बहुत सारी ट्रैफिक रहती है। देख सकते हैं यहाँ पे आगे लो भी आगे ले रहे भाई गाड़ी। क्या चालू है भाई यहाँ पे? गाइस यहाँ पे लोग मातम मना रहे लगता है। गाइस देख के आते हैं बाहर कुछ। चल आगे ले मटकू। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे ये मीरा रोड है। और गाइस यहाँ के लोग जो है यहाँ पे कर रहे हैं भाई। यहाँ से अपन लोग चले गए अपनी चेरी, हम आगे चले गए। गाइस मैं यहाँ से यहाँ पे वीडियो क्लिप निकालते रुक गया हूँ। और गाइस वो गांव से आया, उसको पता भी नहीं यहाँ का रास्ता। तो गाइस अपन लोग आगे चलते हैं, एंड उसको मिले गए, वो पता नहीं कहाँ चलेगा, एकदम आगे चले गए। गाइस एक्चुअली उसको पता नहीं यहाँ का रोड और रास्ता। देख सकते गाइस रात का टाइम है, अपन लोग मीरा रोड स्टेशन के बाजू में घूम रहे हैं। तो गाइस ये रहे अपनी चेरी बॉम, एंड गाइस ये साइड में रुका है। अबे वहाँ पे तो खून वीन की होली चल रही है, मतलब पूरा उन लोग काट फाट रहे हैं यहाँ से, मातम बना रहे हैं। तो गाइस अपन लोग मीरा रोड आ चुके हैं, एंड गाइस यहाँ से अपन निकलेंगे, यहाँ पे अपनी चेरी बॉम पार्क करते। और इरफान भाई गाड़ी चला रहे तो वही पार्क करने वाले। देख सकते गाइस ये मीरा रोड, रमजान महीना है, एंड गाइस देख सकते मीरा रोड सजाया हुआ है। ये मस्जिद देखो, और अपनी चेरी बॉम सामने ही खड़ी है। और ये मीरा रोड का स्टेशन के बाजू का एरिया है, एंड गाइस देख सकते हैं सेवई सब तैयारी चालू हुई थी। और गाइस अपन लोग भी यहाँ पे घूम रहे, तो थोड़ा सा आगे जाएंगे एंड देखते क्या है क्या नहीं। थोड़ा सा मुझे भी काम है यहाँ पे, तो वो भी पटाते वो भी करते, और गाइस चलते हैं। तो गाइस सीन ऐसा है कि अपन लोग अभी मीरा रोड में घूम रहे हैं, एंड मीरा रोड के बाज़ार में घूम रहे हैं। देख सकते हैं बाज़ार। तो गाइस यहाँ से अपन लोग कुछ खरीदी करना है, मेरे को भी खरीदी करना है, और गाइस ये इरफान उसको भी कुर्ते या कपड़ा लेना है। तो गाइस हम लोग यहाँ पे इसलिए आए, थोड़ा सा और आगे जाएंगे और मार्केट घूमेंगे। देख सकते हैं रात के 1 बजे एंड ट्रैफिक देखो, पब्लिक देखो कितनी है, मतलब उल्टू भरा हुआ रोड है। तो ऐसा लग ही रहा है कि रात हो रही है। तो ये रमजान महीने में मीरा रोड देखो, यहाँ पे इतनी ट्रैफिक और इतने लोग हैं, देख सकते गाइस। और सामने ही अलग, तो मैं यहाँ पे मार्केट में आप लोग से बात कर रहा हूँ। तो गाइस बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो अपन लोग ये पेटीज खाएंगे। रमजान का महीना, इस वजह से दिन में तो नहीं खा सकता, बट रात को तो खा सकता। यहाँ से खा के हो चुका है, एंड गाइस यहाँ से अपने को चलने का है, तो यहाँ से अपन चलते हैं। पुलिस का डब्बा आ चुका है, और गाइस मार्केट बंद करा रही है, बहुत लेट हो चुका है, बहुत नाइट हो चुकी है, तो पुलिस वाले लोग सब दुकान बंद कर रहे हैं। गाइस सीन ऐसा है, रात के बज रहे 1:30, और गाइस आज पता नहीं क्यों मीरा रोड को बंद करने के लिए पुलिस वाले आ चुके हैं। एंड गाइस एक बात और, कि मैं दिन में व्लॉग नहीं बना रहा, उसका एक ही रीज़न है कि दिन में बहुत धूप रहती है, और गाइस दिन में मैं आजकल नहीं घूम रहा हूँ। तो गाइस यहाँ से अभी अपने जाने का टाइम हो चुका है, तो यहाँ से अपनी चेरी बॉम निकालते हैं और जाएंगे यहाँ से। एंड गाइस अपन लोग यहाँ से निकलते हैं, मार्केट बंद हो चुकी है, हमारे इरफान भाई चलाएगी गाड़ी। सो गाइस सीन ऐसा कि हम लोग अभी अपने घर पर आ गए, और गाइस मैं मेरी गाड़ी चला रहा हूँ, इरफान भाई भी उतरेंगे और वो भी उसके घर पर आएंगे। गाइस सीन ऐसा था कि मैं और मेरा एक फ्रेंड जिसका नाम है इरफान, हम लोग दोनों मीरा रोड घूमने गए थे, एंड गाइस बहुत घूमे, और गाइस पुलिस वाले लोग ने आके पूरा मीरा रोड बंद करवा दिया, इस वजह से गाइस हम लोग को आना पड़ा। तो गाइस आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और गाइस बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।